बसामन मामा गौवंश वन विहार का लोकार्पण 5 अक्टूबर को होगा। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। बसामन मामा गौवंश वन विहार निराश्रित गायों के आश्रय स्थल के साथ बना आय के स्रोत का साधन। बसामन मामा गौवंश वन विहार का लोकार्पण 5 अक्टूबर को होगा। बसामन मामा गौवंश वन विहार की स्थापना 13 हेक्टेयर क्षेत्र में निराश्रित गायों के आश्रय स्थल के रूप में किया गया है। इसका लोकार्पण 5 अक्टूबर को जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद करेंगे। प्रारंभ में 500 निराश्रित गायों से प्रारंभ वन विहार में वर्तमान में हजारों गायों का आश्रय दिया गया है। वन विहार बनने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एरा पशुओं की कठिनाई बंद हो गई है, नहीं तो पहले तो गाय खेत में घुसकर पूरी फसल नष्ट कर दिया करती थी। अब पशुओं के कारण यातायात भी प्रभावित नहीं होता, सड़कों में अब पशु बैठे हुए नहीं मिलेंगे। वन विहार में निराश्रित गायों के चारा एवं भूसा का प्रबंध पशुपालन विभाग एवं संचालित समिति द्वारा किया जाता है। गौवंश वन्य विहार में रह रही गायों से भारी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, गौनायल, हैंडवॉश एवं टॉयलेट क्लीनर तैयार कर करहिया सब्जी मंडी के पास स्थित एसपीओ के माध्यम से विक्रय किया जाता है। इससे वन्य विहार को 4 लाख रुपए वार्षिक आय हो जाती है। संचालन समिति द्वारा दुग्ध विक्रय कर औसतन प्रतिमाह 45,000 रुपए की आय अर्जित की जा रही है। वन्य विहार में तैयार उत्पाद पूरी तरह से शुद्ध एवं लाभकारी हैं, इसीलिए इसका विक्रय हाथों हाथ बिक जाता है। बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में 1,049.29 लाख रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का निर्माण कराया गया है, जिसमें गौवंश शेड, भूसा शेड, पानी के हौज, पीसीसी रोड, वर्मी कंपोस्ट शेड, गोबर गैस यूनिट, रपटा निर्माण, यज्ञशाला निर्माण, रेस्ट हाउस निर्माण, पशु चिकित्सालय तथा गेट का निर्माण कार्य शामिल है। संचालन समिति द्वारा फास्फेट युक्त जैविक खाद इकाई भी संचालित की जा रही है। गौवंश वन्य विहार में जन सहयोग से बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। इसके साथ ही खनिज न्यास मद से गौवंश वन्य विहार में गौवंशों के लिए पेयजल हेतु पंप हाउस व बोरवेल की व्यवस्था भी की गई है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।